ना इन गोलियों की तड़तड़ाहट रुकी है, ना ही बदले की आग खत्म हो रही है। पंजाब के गैंग वॉर की गूंज आसपास के राज्यों में गूंज रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार राजस्थान का सीकर गोलियों की आवाज से सहम गया। यह बदला था गैंगस्टर आनंद पाल की मौत का, जिसका हिसाब उसकी प्रेमिका ने लिया। सरेआम गोलीबारी और हाथ में लहराते हथियार, गोलियों की आवाज से सन्न लोग कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को गोलियों से भून कर हमलावर बेखौफ निकल गए। हमलावर कोचिंग की ड्रेस में पहुंचे, राजू ठेहट को कॉल बेल बजाकर बाहर बुलाया और फिर गोलियों से भून दिया। उसे 3 गोली लगी। एक बदमाश ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया और फिर ऑल्टो कार से फरार हो गए। पुलिस कुछ समझ पाती, कुछ अंदाजा लगा पाती, इससे पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अजरबैजान में बैठे गुर्गे रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। सोशल मीडिया में फेक आई से डाले पोस्ट में रोहित गोदारा ने दावा किया कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल की मौत का बदला ले लिया। देखिए, फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताऊंगा। गैंगस्टर राजू ठेठ और आनंद पाल गैंग की दुश्मनी पुरानी है। गैंगस्टर राजू ठेठ ने आनंद पाल पर हमला किया था, जिसमें वो बाल बाल बच गया। बाद में पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल ढेर हो गया, लेकिन इस मौत के बाद भी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। आनंद पाल का गैंग अब उसकी गर्लफ्रेंड और लेडी डॉन अनुराधा ने संभाला, जिसे अब इंतकाम लेना था। ऐसे में उसने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी से हाथ मिलाया। लॉरेंस गैंग इसी दोस्ती को मजबूत करने के लिए आनंद पाल के दुश्मन राजू ठेहट को टारगेट बनाया और अजरबैजान में बैठे रोहित ने हरियाणा से शूटर्स को हायर कर राजू पर हमला करवा दिया। कहा यह जा रहा है कि हत्या भले ही लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गों ने की है, लेकिन असली खेल लेडी डॉन अनुराधा का ही है। अनुराधा को हाल ही में NIA ने गिरफ्तार किया था। राजू ठेठ ये राजस्थान का एक बड़ा गैंगस्टर था और ये गैंगवार उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA बकायदा एक एक करके तमाम जो हरियाणा दिल्ली पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टर हैं उन पर शिकंजा कस रही है। कई गैंगस्टर पर UAPA लगाया गया है। इन सबके बीच ये बड़ी गैंगवार है और बताया जा रहा है कई गोलियां मारी गई है। राजू ठेठ है उसको राजस्थान के सीकर में, जिसकी तस्वीरें भी आई है। राजू ठेहट पर हमला राजस्थान की सीकर में हुआ है, लेकिन इसकी प्लानिंग अजरबैजान से हुई और इस पर मुहर हरियाणा में लगी। 24 साल के राजू ठेहट का शेखावटी इलाके में वर्चस्व था। महंगी गाड़ियों और बाइक का शौकीन राजू ठेहट ठिकाना बदलता रहा और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहता, जिसे मारने की साजिश पिछले 10 सालों से चल रही थी। लेकिन आनंद की गर्लफ्रेंड के इंतकाम ने राजू को गोलियों से छलनी कर दिया। ठेहट की हत्या के बाद सीकर में दहशत है, गैंग वॉर के तेज होने का भी डर है। सीकर से जयकिशन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।